बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाहजहाँ। मैं आपको शाहजहाँ सिस्टर किचन कॉर्नर में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टेस्टी सी मजेदार सी ब्रेड एग टोस्ट की रेसिपी लेकर आई, जो कि बनाना बहुत सिंपल और आसान है। अक्सर सुबह के वक्त टाइम नहीं होता, बच्चों को ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर देना पड़ता है, तो इसीलिए मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई जो कि बहुत आसान और सिंपल है, बहुत जल्दी से तैयार कर सकती। ये ब्रेकफास्ट 5 मिनट में तैयार हो जाता है। अक्सर खवातीन ऑफिस में जॉब करती हैं, बहुत हार्डवर्क होती है, उनके पास टाइम नहीं होता, वो भी ये ब्रेकफास्ट बहुत आसानी से अपने बच्चों को लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट बनाकर दे सकती हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगी ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। 10 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, 3 मैंने अंडे लिए हैं, 2 चम्मच मैंने मेथे के लिए हैं, 2 चम्मच मैंने ऑयल के लिए, इसमें ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, 1/2 चम्मच मैंने नमक का लिया है, 1/2 चम्मच मैंने लाल कुटी हुई मिर्च ली है, 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 1/2 प्याज लेके मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है, धनिया मैंने थोड़ा सा हसबे जरूरत लिया है, 2 मैंने हरी मिर्च लेके इसे बारीक काट लिया। आप ये तमाम मिर्च मसाले अपने बच्चों के टेस्ट के मुताबिक ज्यादा या कम शामिल कर सकती हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेड टोस्ट आपने किस तरह तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडे तोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह फेंट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक शामिल करूंगी 1/2 चम्मच जो मैंने लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काली मिर्च शामिल करूंगी जो 1/2 चम्मच ली है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाल कुटी मिर्च शामिल करूंगी। आप अपने बच्चों के मुताबिक टेस्ट के आप मिर्च मसाले आप शामिल कर लेना, इसमें बाज़ बच्चे स्पाइसी नहीं खाते ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैदा शामिल करूँगी जो मैंने 2 चम्मच लिए हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसे बैटर से अच्छी तरह फेंटेंगे। अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम धनिया शामिल करूंगी जो मैंने हसबे जरूरत लेके बारीक काट लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज शामिल करूंगी जो मैंने 1/2 ली थी, इसे बारीक काट लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हरी मिर्च शामिल करूंगी जो मैंने 2 अदद लेके बारीक काट ली है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ आपने टोस्ट कैसे तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल शामिल करूंगी 2 चम्मच जो मैंने लिया है, इसे फ्राई करने में भी ज़्यादा तेल नहीं लगता। आप अपने टेस्ट के मुताबिक तेल या घी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी और क्रिस्पी तैयार होते हैं। ये आपके बच्चों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह डिप करेंगे, इसे इस तरह देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी तैयार होती है। आप भी मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा घर में। एक से डेढ़ मिनट इधर की तरह एक साइड से पकाएंगे हमें, फिर इसकी साइड चेंज कर दूंगी मैं। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम ही लगता है, 5 मिनट में तैयार हो जाती है टोस्ट सैंडविच। सुबह के टाइम वैसे भी टाइम बहुत कम होता है, आजकल वैसे स्कूल ओपन है तो बाद दफ़ा मसला होता है कि बच्चों को बनाकर क्या दे ब्रेकफास्ट में और लंच में, तब आप ये आराम से बना सकती हैं ब्रेकफास्ट में भी और लंच में भी। और बहुत क्रिस्पी तैयार होती हैं, बच्चे वैसे भी क्रिस्पी खाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बस एक साइड से पक गया, मैंने अभी इसकी साइड चेंज कर दी है, एक से डेढ़ मिनट लगा इसे फ्राई करने में। ऐसे प्रेस करें हर तरीके से रखे, अच्छे से फ्राई है। ये देखिए बस ये पक गई है, ये देखिए अब मैं इसको उतार लूँगी, सारे तैयार कर लूँगी फिर मैं आपको डिश आउट कर दिखाऊंगी। ये सारे तैयार कर लो फिर डिश आउट करूँगी। ब्रेड एग टोस्ट तैयार है। अगर आपको ब्रेड एग टोस्ट की रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अब इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।